तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तुम्हें दुख हो रहा है? श्योर सर, आपसे इंस्पायर होकर ही मैंने उस दिन आईएएस की नौकरी छोड़कर आईपीएस ज्वाइन किया। जब आपको मंत्री जी की वो कैसेट मिली तो मैंने सोचा कि आप मंत्री जी पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आई नेवर रिस्पेक्ट दैट फ्रॉम यू सर। क्या हो गया आपको? आपने गलत किया ना सर? नॉट एट ऑल, यही तो स्टाइल है। कलयुग का जमाना है, चाहे राम ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ रावण बन के ही जीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश को चलाने वाले कई मंत्रीवर रावण को भी पीछे छोड़ दिए हैं। अगर हम वित्त मंत्री अमर सिंह को गिरफ्तार करेंगे तो हमें ये नाम नहीं सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा, और उस दल के सभी नेता लोग हमारे जानी दुश्मन बन जाएंगे। कई लोगों को देखा अपनी सर्विस में मैंने। जानते हो तुम, एक जमाना था जब कोई पुलिस वाला गांव के किसी लड़के से पूछताछ करते हैं तो सोच रहे उस लड़के की जिंदगी तबाह हो गई। मगर आज कैबिनेट मंत्रियों में कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो लूटपाट और रंगदारी वसूलने के मामले में कई बार जेल जा चुके हैं। बलात्कार डाका वगैरह तो फैशन बन गया आज। यहाँ तुम्हारी प्रेरणा मिस्टर रामनाथ डाकुओं के शहर में है और मैं उन्हें लूटूंगा। दैट इज माई हॉबी। इसे तुम दुश्मनी भी कह सकते हो। लॉयल्टी इज द ब्लडी फुलिशनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम जाओ। जल्दी पकड़ के लाओ सुलू को। क्यों बे, कमिश्नर साहब की गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो? चल बाहर निकल उल्लू कहीं का। उल्लू नहीं, पट्टी हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है और तुम्हें क्या चाहिए? आप चाहिए, खुद को मेरे हवाले करोगे? देख, डीएम की बेटी होने का ये मतलब नहीं कि तुम जो जी में खाओगे। चाहे तुम कोई भी हो, मैं सीधे अंदर कर दूंगा। नहा धोकर चंदन का तिलक लगाकर मंदिर जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? खूब इंटेलिजेंस और विजिलेंस तो मेरे डैडी के अंडर है और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी इजाजत के बगैर एक मच्छर भी इस इलाके में नहीं आ सकता है। क्यों, कोई शक है आपको? चल बे। ए, रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो भी दो गाड़ी किसके लिए? एक ही गाड़ी में चलेंगे तो फिर अपने बाप की गाड़ी में जाओ ना। हाँ, आपने सही कहा, एक ही गाड़ी में चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। प्लीज कमिश्नर, अपनी गाड़ी में मुझे भी बिठा लो, मैं छोटी बच्ची की तरह बैठ जाऊंगी। मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनने का कोई शौक नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई दिमाग चाटने के लिए। सर भोली लड़की है ना, गाड़ी में बैठने दीजिए, मैं पीछे जाके आराम से बैठता हूँ। तो ड्राइवर बन जा। मुझे ड्राइवर बनने कोई शौक नहीं है। आ रहे हो? आए। आया है इस जमी पे देवता, जान के तुझको माना है। आया है, आया है गांव में कृष्णा, आया है इस जमी पे देवता, जान के तुझको माना है। तेरे आने से देखो गांव में रौनक आई है, गोपियां भी झूम उठी, चेहरे पे लाली आई है, खुशियां
अच्छा लगे आजा तू बजा दे बांसुरिया कैसे? बस यूं ही आ गया। यहाँ के किसी हरामी के पिल्ले ने मंत्री महोदय एंथनी की बेटी को उठाकर यहाँ पर लेकर आया है। वो कौन है? कल सुबह के फ्लाइट से वो अमेरिका जाने वाली है। कई दिनों से इसी झुपड़पट्टी का कोई लड़का इसे इश्क लड़ा रहा है। उसके डर से कई दिनों से मैंने उसे बाहर तक नहीं भेजा। आज वो कॉलेज जा रही थी, रास्ते में उस लड़के ने उसे उठा दिया। देखिए काशी आंटी के घर कोई लड़की आई है। चलो मेरे साथ। इसे मार के क्या फायदा होगा? हमें उसे पकड़ना है। कहाँ वो काशी बुढ़िया? तू ही है काशी बुढ़िया? ये लड़की यहाँ कैसे आई? सच बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। चुप, वो जानती है। दो फटके देने से सच उगल देगी। सर सच बता दो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बताओ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। नहीं वहां मत जाओ। तुम में से किसी को बताओ कमीना कहाँ है? जल्दी से बताओ, अगर सच नहीं बताए तो सबको अंदर कर दूंगा। हमारे खानदान की लड़की को जिसने भी उठाया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाओ। नाटक बंद कर और चल। कहाँ नहीं आऊंगी। तू नहीं आएगी, तुझे मैं ले जाऊंगा। ए राजन इसे ले जा। इस जमी पे देवता जान के तुझको माना है।